नमस्कार, मैं उदयांजलि मोइत्रा। 23 मई को आए चुनावी नतीजों के बाद से ही ऐसा लगता है सियासी गलियों में हवाएं उल्टी बहने लगी हैं। जो कांग्रेस नेता दिन रात पीएम मोदी को कोसते नहीं थक रहे थे, वही कांग्रेसी आजकल मोदी के नाम के कसीदे पढ़ रहे हैं। बात चाहे दिग्गज कांग्रेसी जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी की करें या फिर शशि थरूर की, इन नेताओं ने अब मान लिया है कि पीएम मोदी में सिर्फ नकारात्मक छवि ढूंढने से कुछ नहीं होगा। इन नेताओं की वजह से कई कांग्रेसी नेता नाराज भी हुए। केरल कांग्रेस ने तो शशि थरूर को नोटिस भेजकर जवाब तलब भी कर लिया, लेकिन बेबाक बयान देने में माहिर शशि थरूर हैं कि मानते ही नहीं। उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ कर दी। इतना ही नहीं, थरूर ने इस बार तो पीएम मोदी की एक सलाह भी मान ली। दरअसल एक निजी चैनल के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोगों को एक सुझाव देते हुए कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां इतनी अधिक संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। क्या हम इन भाषाओं का उपयोग एकता के लिए नहीं कर सकते? क्या मीडिया सेतु का काम कर सकता है और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को करीब ला सकता है? ये इतना भी कठिन नहीं है जितना दिखता है। वी कैन सिंपली स्टार्ट विथ पब्लिशिंग वन वर्ड डेली, वन वर्ड इन 10 or 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन अक्रॉस द कंट्री। इन ए ईयर अ पर्सन कैन लर्न ओवर 300 न्यू वर्ड्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। वंस ए पर्सन लर्न्स अनदर इंडियन लैंग्वेज, ही विल कम टू नो द कॉमन थ्रेड्स एंड ट्रूली अप्रिशिएट द वननेस इन इंडियन कल्चर। दिस कैन ऑल्सो गिव राइज टू ग्रुप ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस। इमेजिन अ ग्रुप इन हरियाणा लर्निंग मलयालम एंड ए ग्रुप इन कर्नाटका लर्निंग बंगाली। ऑल बिग डिस्टेंसेस वर कवर ओनली आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। पीएम मोदी ने लोगों को हर दिन भारतीय भाषाओं के एक शब्द को सीखने की सलाह दी। पीएम मोदी की यही सलाह केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के दिल में उतर गई। उसी कार्यक्रम में मौजूद रहकर पीएम मोदी का भाषण सुनने वाले शशि थरूर पीएम मोदी के भाषण से इतना प्रभावित हुए कि ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने एक भाषण का अंत हमें हर दिन अपने से मातृभाषा को छोड़कर एक अन्य भारतीय भाषा के शब्द सीखने का सुझाव देकर किया। मैं इस हिंदी के प्रभुत्व से हटने का स्वागत करता हूँ और प्रसन्नता पूर्वक इस भाषा की चुनौती को आगे बढ़ाऊंगा। शशि थरूर ने कहा, प्रधानमंत्री के लैंग्वेज चैलेंज के जवाब में मैं प्रतिदिन अंग्रेजी, हिंदी और मलयालम में एक शब्द ट्वीट करूंगा। अन्य लोग भी ऐसा कर सकते हैं। आज का पहला शब्द बहुलवाद है। थरूर ने बहुलवाद को अंग्रेजी और मलयालम में भी लिखा। ऐसे समय में जब मोदी की तारीफ करने वाले नेताओं पर कांग्रेस की त्योरियां चढ़ी हो, शशि थरूर का फिर से एक बार पीएम मोदी की तारीफ करना आग में घी डालने जैसा है। थरूर ने इससे पहले भी पीएम मोदी की तारीफ की थी, जिसके बाद केरल कांग्रेस ने उन्हें नोटिस भेजा था, लेकिन थरूर ने बेबाक अंदाज में जवाब देते हुए कहा था, मैं अपने कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि मेरी राय की कद्र करें। यदि वे इससे सहमत नहीं हैं, तो भी मैं नरेंद्र मोदी सरकार का एक कठोर आलोचक रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मैंने ये काम पूरी रचनात्मकता से किया है। समावेशी मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के कारण ही मैंने लगातार 3 बार चुनाव जीता है। मैं अपने कांग्रेस के साथियों से निवेदन करता हूं कि मेरे विचारों की कद्र करें। यदि वे उससे सहमत नहीं हैं, तो भी ऐसा नहीं कि इस तरह का हृदय परिवर्तन सिर्फ कांग्रेस नेताओं में ही देखने को मिल रहा हो। खुद को दिल्ली का मालिक कहने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का भी लगता है हृदय परिवर्तन हो गया। हर छोटी से बड़ी बात को लेकर मोदी मोदी की रट लगाने वाले केजरीवाल आजकल मोदी सरकार के समर्थन में सबसे आगे रहते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का सबसे पहले समर्थन किया, तो वहीं आर्थिक मंदी पर भी मोदी सरकार पर भरोसा जताते हुए कहा, सरकार इससे निपट लेगी। आयुष अभियान से जुड़े हुए सभी प्रोफेशनल्स
अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, देश में फिट इंडिया मूवमेंट उसकी शुरुआत के अगले ही दिन आयुष और योग से जुड़े कार्यक्रम में आना मैं मानता हूं एक अद्भुत संयोग है। आयुष और योग फिट इंडिया मूवमेंट के बड़े मजबूत पिलर है। साथियों, आज यहां तीन कार्यक्रम हुए हैं। दो हमारी परंपरा, हमारी विरासत के पुरस्कार और सम्मान से जुड़े हैं और एक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। आज हरियाणा में 10 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को लॉन्च किया गया है और इसके लिए मैं हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री आजकल हरियाणा के गांवों में यात्रा चल रही है उनकी और लगातार वो कठोर परिश्रम कर रहे हैं और उसका परिणाम मैं देख रहा था कि बोल ही नहीं पा रहे हैं, आवाज खराब हो गई। ये हम लोगों का प्रोफेशनल हजार्ड है। चुनाव के दिनों में मुझे भी इस मुसीबत से गुजरना पड़ता है, लेकिन एक रहस्य मैं बता दूं, योग, प्राणायाम और आयुर्वेद ये तीनों का मैं भरपूर उपयोग करता हूं और उसी के कारण मेरी गाड़ी चल जाती है। तो हरियाणा में भी अब आयुष के वेलनेस सेंटर शुरू हुए हैं। मैं मनोहर लाल जी को कहूंगा कि जरा गले को ठीक करवाइए वहां जाके। मुझे योग के साधकों, योग की सेवा करने वालों, दुनिया भर में योग का प्रचार प्रसार करने वाले साथियों और संस्थाओं को पुरस्कार सौंपने का मौका भी मिला है। इनमें इटली और जापान के भी साथी हैं जो दशकों से योग के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। एंटोनिएटा रोंजी, उन्होंने बीते 4 दशकों से पूरे यूरोप में सर्व योग इंटरनेशनल के जरिए योग के प्रचार प्रसार में एक प्रकार से 100% डेडिकेशन, बहुत बड़ा योगदान किया। इसी तरह जापान योग निकेतन के पूरे जापान में हजारों योग केंद्र हैं और ये संस्था भी करीब करीब 40 साल से जापान को योग से निरोग रखने का महान काम कर रही है। पुरस्कार पाने वाले सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं और उनकी ये सेवाएं, उनका ये मिशन समाज जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने में बहुत ही सफलता प्राप्त करें, इसकी मैं कामना करता हूं। कुछ देर पहले आयुष पद्धति को समृद्ध करने वाली
12 महान हस्तियों के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया है। ये वो साथी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के उपचार में लगा दिया। किसी ने योग को माध्यम बनाया तो किसी ने आयुर्वेद को, किसी ने यूनानी से जनसेवा की तो किसी ने होम्योपैथी से लोगों के जीवन को रोग मुक्त किया। मैं डाक विभाग को विशेष रूप से बधाई दूंगा और दो कारण से। डाक टिकट कोई मोदी प्राइम मिनिस्टर बना उसके बाद थोड़ी निकल रही है, डाक टिकट तो पहले से चल रही है। भारत आजाद हुआ उसके पहले से डाक विभाग चल रहा है। लेकिन परंपरा ऐसी बनी है कि बड़े बड़े नाम हो, टीवी पे चमकते हो, नेता कहे जाते हो, तो डाक टिकटें उन्हीं की बनती है। आयुर्वेद के लिए खप जाने वाले की भी डाक टिकट हो सकती है क्या? और ये यही तो बदला हुआ हिंदुस्तान है।